जनपद संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिले में भारी संख्या में दूल्हा दुल्हन बंधे शादी के बंधन में प्रदेश में चलाई जा रही निशुल्क शादी योजना में पात्र लोगों ने भारी संख्या में आकर भाग लिया, जिसमें शादी के बंधन में बंधे जोड़े काफी खुश नजर आए। यूपी के संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में पहुंचे घरातियों और बारातियों ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए उपहार बैंड बाजा बारात तथा भोजन का आनंद भी लिया। लाभार्थियों ने ऐसे कार्यक्रमों को सरकार का सराहनीय कदम बताया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी संजीव रंजन तथा सीडीओ मै त्यागी तथा समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम, राज्य मंत्री गुलाबो देवी, जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग के समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया जा रहा है, कितने जोड़ों किया गया है? ये आज जो पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई है और आज के अवसर पे, इस पावन अवसर पे सभी जनपदों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादियाँ हो रही है। तो आज जनपद संभल में भी लगभग जो हम 536 जोड़े हैं जो हिंदू रीति रिवाज से अपने पढ़ने सूत्र में बंध रहे हैं तथा 202 ऐसे जोड़े हैं जो कि निकाह के अंतर्गत उनकी शादियां हुई है। तो कुल 738 जोड़े हैं जो आज के अवसर पर इनकी शादियां हो रही है और सरकार ने इनका खास ख्याल रखा है। इन लोगों को जो भी शादी में जितनी सामग्री की जरूरत होती है सरकार के माध्यम से दी गई है और इस पूरे सामूहिक जो विवाह योजना है इसके अंतर्गत आप जैसा देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावन जो समा बना हुआ है, जो दृश्य बना हुआ है बहुत सुंदर बना हुआ है और इस अवसर पर इन सभी जोड़ों को मैं भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये जो दाम्पत्य जीवन में जो बंध रहे हैं ये पूरा जीवन अच्छे से निभाएं। सभी पत्रकार